वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है मुल्तान मोटर्स। तो मुल्तान मोटर्स इज अ कार डीलर, इट सेल्स कार्स ऑन कैश एंड आल्सो ऑफर्स अ सर्टेन मॉडल फॉर सेल बाय लीज। सेल बाय लीज ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बेसिकली कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां पर इसको हमें फाइनेंस लीज कंसिडर करना चाहिए। MM सोल्ड अ कार ऑन लीज On 1st January 2022, following information is relevant. Price of the car in cash sale 2 million दी हुई है, इसको हम fair value ले सकते हैं। Cost of the car to MM 1.5 million दी हुई है, जिसका मतलब है कि जब वो रूटीन में सेल करते हैं तो 500,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। एनुअल रेंटल जो है वो 764018 है, 3 साल की लीज टर्म है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 10% है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो अनगारंटीड है 133100 की। और कॉस्ट इनकर्ड बाय MM इन सेटिंग अप द लीज यानी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है 20,000 की। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आर्टिफिशियल इंटरेस्ट रेट यूज नहीं हो रहा तो जो इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज है हम उसी को यूज करेंगे। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जर्नल एंट्रीज पास करें एट कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज टर्म फॉर MM यानी लेसर के लिए। अब यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक तो हमने ये एस्टेब्लिश किया अंडरस्टैंडिंग से कि ये एक फाइनेंस लीज है, MM जो है वो लेसर है, और क्योंकि ये गाड़ियां सेल भी करते हैं और लीज पर भी दे रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर है, यानी लेसर भी है और डीलर भी है। डीलर लेसर की जो अकाउंटिंग है वो इनिशियल लेवल पर डिफरेंट होती है, उसी को हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। तो आंसर में क्योंकि जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है तो हम जर्नल एंट्रीज बनाने की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेंगे और इसमें हमें जो लीज टर्म स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1st January 2022 को। तो 1st January 2022 को एंट्री करेंगे। अब इसके लिए हमें कुछ वर्किंग्स करने की जरूरत है, तो वर्किंग्स करने की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग्स का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हमें लेनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो एनुअल रेंटल्स हैं वो हैं 764018 के। 3 रेंटल्स होंगे, 3 साल की टाइम है और 10% का रेट है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने यूज करनी है। इसकी बेसिस पर हम एन्यूटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एन्यूटी की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है, सो दैट वुड बी 1.9 मिलियन। इसके बाद क्योंकि हमें नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है तो नेट इन्वेस्टमेंट लेसर के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें रेजिडुअल वैल्यू जो अनगारंटीड है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। आफ्टर 3 ईयर्स ये वापस मिलेगा एसेट 133100 का और 10% के इंटरेस्ट रेट पर इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट वुड बी 100,000। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं तो वो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज भी बन जाएगी 2 मिलियन की। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है वो तो हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए 2 मिलियन पे। अब जहां तक बात है कि रेवेन्यू कितने पे रिकॉर्ड होगा, तो रेवेन्यू के लिए क्वेश्चन में फेयर वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं दी हुई लेकिन कैश सेल प्राइस दी हुई है जिसको हम फेयर वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, विच इज 2 मिलियन, और जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है वो 1.9 मिलियन है। तो इनमें से लोअर अमाउंट पर हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू विच इज 2 मिलियन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट विच इज 1.9 मिलियन। तो हम 1.9 मिलियन को यूज करेंगे और 2 मिलियन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने लोअर अमाउंट पर कैलकुलेट करना होता है। अब इस क्वेश्चन में वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जो फर्दर लीज का शेड्यूल बनेगा और इंटरेस्ट और वगैरह रिकॉर्ड होगा उसमें जो रेट यूज किया जाएगा वो 10% का यूज किया जाएगा। ये एक जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं जिसमें हमने एंट्रीज पास करनी है। अब एंट्रीज पास करेंगे तो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करना है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि दैट शुड बी 2 मिलियन। ये एक किस्म का नेट रिसीवेबल इन लीज है। इसके बाद हमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है
वो भी हमने डिस्कस कर लिया है वर्किंग में कि वो लोअर अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है, तो रेवेन्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लोअर है फेयर वैल्यू से, 1.9 मिलियन की है, इस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही क्योंकि एंटिटी के पास से इन्वेंट्री गई है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मिलियन। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अब रिकॉर्ड हमने करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो साथ ही मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होगी वो, वैसे तो हम जो इन्वेंट्री दे रहे हैं वो 1.5 मिलियन की दे रहे हैं, लेकिन उसमें से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ लीज टर्म पर 100,000 हमें वापस मिल जाएंगे, इतना एसेट हमें वापस मिल जाएगा जो 100,000 का होगा। तो जो हमारा एक्सपेंस होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, वो 1.5 मिलियन का नहीं होगा, बल्कि वो 1.5 मिलियन में से, क्योंकि 1 लाख हमें वापस मिल जाना है तो वो लेस कर देंगे, तो हमारा जो एक्सपेंस होगा वो होगा 1,400,000 का। अब बेसिकली इस बेसिस पर हमारी ये फर्स्ट एंट्री हो गई, और अगर आप नोटिस करें तो हम जो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो 5 लाख का रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जो प्रॉफिट होगा वो डिफरेंस होगा रेवेन्यू ऑफ 1.9 मिलियन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 1.4 मिलियन का। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 500,000 आएगा, दैट वुड बी आर कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ दिस कार। अब फर्दर ये है कि क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी दी गई है इन अ सेंस, लेकिन क्योंकि हम मैन्युफैक्चर या डीलर लेसर के लिए जो कॉस्ट लगती है सेटिंग अप पे, उसको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं करते बाय डेफिनेशन, उसको हमने प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है। तो इसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मल लेसर होता तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो लीज के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही होती। तो 20,000 का सेलिंग एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हमारी एंट्रीज हैं जो कमेंसमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कि हमने नेट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, फिर जो रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड करनी है। जो हमारी कॉस्ट लगेंगी सेटिंग अप पे, उन्हें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।